हेलो फ्रेंड्स, मैंने 9 फरवरी को अपना पूरा पूजा रूम साफ किया था क्योंकि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट थी। जैसे हमें अपना रूम साफ चाहिए होता है वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स के लिए, ताकि हम अपना टाइम स्पेंड कर सके, सो सके, तो सेम चीज माता के लिए भी है। तो माता 10 दिनों के लिए अपने शिव के ध्यान में मग्न हो जाएगी और पूरा ब्रह्मांड घूमेगी। तो मैंने माता को उनके स्थान से उठा लिया था और चौकी पे रख दिया था। तो मैंने माता को ढका के रखा है क्योंकि जो हमारी कुल देवी गौरजा है वो ढक के ही जाती है अपने स्थान से कहीं बाहर। जैसे कि हम अगर गंगा स्नान के लिए जाएं माता को तो ढका के ही ले जाना होता है, तीर्थ स्थान ले जाना हो तो ढका के ले जाना होता है, क्योंकि पहले से ही प्रथा है कि जो गौरजा है वो पार्वती का स्वरूप है और पार्वती जो है वो पर्दे की रानी है। तो इसीलिए मैंने माता को ढका के वही चौकी पे रख दिया था और सारे जो देवी देवता हैं वो मैंने साइड पर रख दिए थे ताकि उन पे कुछ भी धूल मिट्टी वगैरह ना गिरे। तो मैंने फटाफट से पूरे जो पूजा रूम है उसके जाले वाले साफ कर दिए थे। यहाँ पे मैंने झाड़ू का कहीं पे भी यूज नहीं किया है ऊपर। और फिर मैंने जितने भी कपड़े थे, आसन थे और जो बर्तन थे वो बाहर रख दिए थे पहले ही। और जो आसन और कपड़े थे मंदिर के वो मैंने वॉशिंग पाउडर में पहले ही भिगो के रख दिए थे ताकि वो सारा मैल वगैरह निकल जाए उनका, और मैं उनको अच्छे से धो धा के फिर धूप में सुखाने के लिए रख दूं। और जब तक मेरा मंदिर साफ होता है तब तक वो सूख जाए, उसके बाद ही मैं उनको वापस वैसे ही कर लूं जैसे पहले थे। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़े थे वो धो दिए थे और जो आसन थे वो मैंने अच्छे से धो लिए थे। और आसन को मैंने पानी में भिगोने के बाद उसके बाद फिर मैंने जो बर्तन थे, जैसे पीतल के बर्तन थे, तांबे के बर्तन थे और कुछ कांसे के बर्तन थे, वो मैंने अच्छे से धो लिए थे। जितने आ सके उतना मैंने धो लिया था। और पीतांबरी था नहीं घर पे, तो इसलिए मैंने जो ब्लैक वाला स्क्रबर होता है बर्तन धोने के लिए और उस साबुन है उसका यूज किया था मैंने यहाँ पे। तो मैंने जितने भी बर्तन वगैरह थे मैंने अच्छे से धो लिए थे और उसके बाद फिर मैंने इनको सुखाने के लिए रख दिए थे। और मेरे आसन और बर्तन धोने के बाद फिर मैंने मंदिर धोना शुरू कर दिया था अंदर। और मैंने पहले पानी मारा, उसके बाद फिर वॉशिंग पाउडर से अच्छे से पूरा मंदिर पे वॉशिंग पाउडर से साफ किया एकदम। और उसके बाद फिर मैंने जब मंदिर साफ हो गया था उसके बाद मैंने ऊपर चढ़ के जो टाइल्स हैं वो साफ करना शुरू कर दिया था। और एक एक मतलब टाइल्स मैंने अच्छे से साफ किया। टाइल्स साफ करने के बाद फिर मैंने फटाफट से पूरा पानी वानी मारना शुरू कर दिया था टाइल्स पे। जब मेरा मंदिर और टाइल्स वगैरह साफ हो गया था फिर मैंने वही जो वॉशिंग पाउडर का पानी था वो मैंने नीचे फ्लोर पे डाल दिया था और उससे ही साफ करना शुरू कर दिया था मैंने। तो ये काला जो आपको नीचे पत्थर लग रहे होंगे ये पहले से ही काला है, मतलब ये पत्थर ही वैसा वाला है। और ऐसे मैं समझ गई कि हम यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं करते डेली, बट वो पत्थर ही ऐसा है। उसके बाद से मैंने जो सूखा कपड़ा था मंदिर का ही उससे मैंने पूरा मंदिर वगैरह साफ कर लिया था। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वहाँ पे तो वो सब साफ हो जाएगा, इसलिए मैंने सूखा कपड़ा यहाँ पे मारा है। और उसके बाद ही मैंने मंदिर को सेट करने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी मूर्तियों को ऊपर रख दिया था ताकि मैं नीचे अच्छे से सफाई कर सकूं। तो मैंने नीचे पानी मार दिया था और झाड़ू भी मैंने ऊपर से मार दिया था ताकि सारा पानी बाहर चला जाए। और जो ये झाड़ू है ये सिर्फ मंदिर का ही झाड़ू है, इसे मैं कहीं और यूज नहीं करती, तो ये बिल्कुल साफ है मंदिर साफ करने के लिए। और इसके बाद मैंने पोछा मारना शुरू कर दिया था ताकि कुछ भी पानी यहाँ पे ना रहे और जितना भी पानी है वो सब सूख जाए। पोछा मारने के बाद मैंने अपने हाथ पैर मुंह धो लिया था ताकि जितनी भी मैंने मूर्तियां निकाली थी उनकी जगह से तो मैं उनको वापस वहीं पे विराजमान कर दूं। और जैसे कान्हा की मूर्तियां हैं और माता की मूर्ति है, जैसे शिव गणेश और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, तो इन सबको मैं कल नहलाऊंगी। आज मैं इनको स्नान नहीं करवाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस टाइम पे स्नान कराना सही नहीं था मेरे लिए। तो मैं कल इनको स्नान करवाऊंगी क्योंकि कल गुप्त नवरात्रि भी स्टार्ट है 10 फरवरी से, तो मैं इनको कल नहलाऊंगी।
और फिर मैंने फटाफट से जिनकी जगह जहाँ पे थी वो मैंने वहीं पे विराजमान कर लिया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही पर्पस था कि आज की डेट में जो आज की जनरेशन है वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखती और ना ही अपना टाइम इन चीज़ों में देती है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके पास अगर कहीं पे भी, जैसे संडे को अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि दिल को और बहुत सुकून मिलता है। सच्ची बताऊँ मैं अपना जो पर्सनल रूम है उसको भी मैं इतनी शिद्दत से साफ नहीं करती जितना मैं अपना पूजा रूम साफ करती हूँ। मैं पूरे तन मन से पूजा रूम को अच्छे से साफ करती हूँ। मेरा ये मानना है जहाँ मेरी माँ रहती है उस रूम को मैं अच्छे से साफ करूँ जितना मुझसे हो सके। मैं कम से कम 3 से 4 घंटे लगा लेती हूँ अपना पूरा पूजा रूम साफ करने में, और सच्ची बताऊँ तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और जब मैं मंदिर में बैठती हूँ तो मुझे एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है, जबकि मैं पूजा वगैरह कुछ नहीं करती, सिर्फ सफाई करती हूँ पूजा रूम की, लेकिन मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ हमेशा कनेक्टेड रहूँ, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज़, मैंने एक्सपीरियंस की है। मैंने माँ से जब भी कुछ भी मांगा है, जो चीज़ मेरे लिए बनी है माता ने वो मुझे दी है, बट जो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है माता मुझे वहीं पे रोक देती है। और जब मुझे उस चीज़ का पता चलता है ना कि माँ ने मुझे क्यों वहाँ पे रोका है, तब मुझे दिल से लगता है कि नहीं यार, मतलब मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी माँ मेरा आज भी देखेगी, कल भी देखेगी और परसों भी देखेगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव होता है फिर।